लोकसभा चुनाव की आहट के बीच हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर हो रही है। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने सरकार में बलह कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की अनदेखी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष पद से और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। इस बीच रविवार को पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के निवास स्थान पर बलह कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बलह कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक में समस्त बलह कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी से बलह कांग्रेस की जनभावनाओं के मद्देनजर इस्तीफा वापस लेने की मांग की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी को कैबिनेट रैंक का पद देने की मांग की, ताकि बलह क्षेत्र की जनता के साथ न्याय हो सके। जब कार्यकर्ता ही नहीं तो सरकार कहाँ होगी? जब कार्यकर्ता है तभी सरकार है। माननीय प्रकाश चौधरी ने बल में इतिहास रचा है, यही बात को हमें बार रख दी है। इतिहास बार बार नहीं रचा जाता, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर व्यक्ति के रात में काम करते हैं, रात में सोते नहीं, चार साल सोते नहीं, हमने देखा है। वहीं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपनी मां की तरह मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है, वे कांग्रेस से कभी गद्दारी नहीं कर सकते, उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने एपीएमसी चेयरमैन पर कई आरोप भी लगाए कि मैं कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार से ज्यादा अपनी मां के समान समझता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकता, पर मजबूरन मुझे जो डिसीजन लेना पड़ा, एक ऐसा नेता जो अपने आप को हाई नेता समझता है, इंटरफेयर करता है बार बार, बग्गी का एक एक्शन जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको पता नहीं 6-7 बार उसने बदल दिया। मैंने सीएम साहब के पास जाकर उसको कैंसिल कराया, अब भी उसने फिर बदल दिया। क्यों पड़ा है उसके पीछे, क्या कारण है, क्या चाहता है? उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक फौज अपने पीछे लगाई, बीजेपी के लोगों को वो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या बीजेपी के लोग उसे मान सम्मान देते हैं? क्या बीजेपी के लोग कांग्रेस का काम करते हैं? एक पंचायत का उद्घाटन उसने किया जहां उसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इग्नोर किया, क्यों किया इग्नोर? और बीजेपी के लोगों को वहां स्टेज पे बिठा के उनकी वाहवाही की, क्या कारण है? साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सांसद प्रतिभा सिंह और मंत्रियों ने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, उन्होंने हर काम किया। मुख्यमंत्री बड़ा रिगार्ड करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, जो भी काम लेके मैं जाता था वो काम करते, कभी उन्होंने मना नहीं की, आंखें मूंद करके उन्होंने सहन की, बंद करके। ऐसा रानी साहब ने भी जब भी गया उनका पूरा आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, सहयोग मिला। ऐसा डिप्टी सीएम के पास गया, उन्होंने पूरा सहयोग दिया, साथ दिया, उन्होंने कभी मना नहीं की। किसी भी मंत्री के पास गया, विक्रमादित्य सिंह है, रोहित है, सांडिल जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं और एक आना हर्षवर्धन जी हैं, जिसके पास मैं गया कोई मना नहीं किसी ने की। तो इसलिए उन सब मंत्रियों का रिगार्ड है, मैं मंत्री के बाहर, मैं सरकार के बाहर, मैं माननीय अध्यक्ष के बाहर, मैं मुख्यमंत्री के बाहर, मैं मुख्यमंत्री के बाहर नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके बाहर हूँ, उसने जो मेरे को तंग करके रख दिया। आप अपना इस्तीफा वापस लेंगे या फिर आगे की क्या रणनीति रही? जब इस्तीफा मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, रानी साहब ने सीधा बोल दिया है, ठीक है प्रकाश चौधरी अपनी जगह सही है, वो उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट होगा, उनका इस्तीफा वो अध्यक्ष बने रहेंगे, वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाश चौधरी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आगे की रणनीति हमारी चली है, क्योंकि हमें भी पता चुनाव आ रहा है, हमारे लोग चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम मीटिंगें शुरू करेंगे, हम हर वार्ड में जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे।
पूर्व मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से और कांग्रेस की जसद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया है। कार्यकर्ता और नेता सभी उन्हें मनाने में लगे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले प्रकाश चौधरी का इस तरह से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।